हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल, मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को अन्य लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग जो इतना सपोर्ट करते हैं मेरा, इसी तरह आप लोग बराबर सपोर्ट करते रहिए ताकि मेरा हौसला बराबर बना रहे। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत कठिन काम है, पर जब आप लोग का सपोर्ट मिलता है तो हौसला और बढ़ता है। प्लीज़ दोस्तों, इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और मुझे आगे बढ़ने में पूरी मदद करिए। दोस्तों, चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को एक कहानी। कहानी है एक शिकारी और तोते की। तो चलिए, है क्या? एक बार की बात है, एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। वह काफी देर तक इधर उधर टहलता है, पर उसको कोई शिकार नजर नहीं आता है। थोड़ी देर बाद उसको एक शिकार दिखाई देता है। तब वह अपना तीर चढ़ाता है और तीर शिकार पे लगाता है। जैसे ही वह अपना निशाना साधता है तो उसका तीर शिकार पे न लग करके एक बहुत बड़े हरे भरे पेड़ में जाकर लग जाता है। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहते थे। शिकारी के तीर में बहुत ही खतरनाक जहर लगा हुआ था, जिसके कारण जैसे ही तीर लगा उसके बाद से धीरे धीरे पेड़ सूखना शुरू हो गया और उसके जितने पत्ते थे सब झड़ने लगे। यह देखकर उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे और उन तोतों के बीच में एक बूढ़ा तोता भी रहता था, तो सारे तोते उस पेड़ को छोड़ करके दूसरे पेड़ पर धीरे धीरे करके जाने लगे। पर जब भी तोते जाते तो उस बूढ़े तोते से बोलते कि तुम भी हमारे साथ चलो, वहाँ दूसरे पेड़ भी हैं और उस पर जाकर हम लोग रहते हैं। पर वह बूढ़ा तोता नहीं गया। जब कई बार उसके बूढ़े तोते के साथियों ने उसको समझाया कि क्यों नहीं चलते हो दूसरे पेड़ पर, वहाँ भी और बहुत बड़े पेड़ हैं, चलकर वहीं पर रहते हैं, क्योंकि यह पेड़ तो सूख गया है और कुछ दिनों बाद गिर जाएगा। पर वह बूढ़ा तोता दूसरे पेड़ पर ना जा करके उसी सूखे पेड़ के क्वार्टर में रहता है। वह जाता, बाहर दाना चुनता और आकर फिर उसी क्वार्टर में बैठ जाता है। यह बात देवराज इंद्र को पता चली। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहते हैं कि तुम बहुत धर्मात्मा हो और तुम्हारी आत्मा बहुत दयालु है। तुम भी क्यों नहीं इस सूखे पेड़ पर क्यों रह रहे हो? क्योंकि यह पेड़ तो एकदम सूख गया है और कुछ दिन बाद गिर जाएगा। तब वह तोता बोलता है कि यह पेड़ बचपन से लेकर के आज तक मेरा साथ दिया है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, और शिकारियों से मेरी रक्षा की है। अब इस पेड़ पर दुख पड़ा है तो
तो मैं इसको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तब देवराज इंद्र बोले कि तुम्हारी आत्मा इतनी दयालु है और तुम इतने धर्मात्मा हो, बताओ कोई वरदान अगर मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। तब वह बूढ़ा तोता बोला, महाराज अगर आप मुझको कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि यह पेड़ पहले के जैसा ही हरा भरा हो जाए, क्योंकि इस पेड़ पर मैंने अपना पूरा जीवन जिया है। यह पेड़ देखा जाए तो एक तरह से मेरा घर है। यह बात सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और अपने कमंडल से अमृत निकालते हैं और निकाल करके उस पेड़ को सींच देते हैं, उस पेड़ को अमृत से सींच देते हैं। फिर वह पेड़ अमृत पाने से पहले के जैसा हरा भरा हो जाता है। अब उस पर और भी तोते बहुत सारे आकर रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का साथ दे रहे हैं, हम किसी के साथ हैं, तो यह नहीं होना चाहिए कि अगर उस पे कोई मुसीबत आए तो हम उसका साथ छोड़ दें। दोस्तों, हम किसी के सुख में खड़े हों या ना खड़े हों, पर अगर किसी पर दुख पड़े तो उसके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। दोस्तों, यह रही आज की कहानी, कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और फिर हम मिलते हैं आप लोगों से एक दूसरी कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।